ये देखिए सिंघाड़ा उबाल लीजिए, सिंघाड़ा जो है उबाल लीजिए और लहसुन हरा मिर्चा अदरक का चटनी पीस लीजिए और इस प्रकार छील के और इसको इससे इस चटनी से खा के और चाय पीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो बस सिंघाड़ा जब भी आपके यहाँ आए तो इस तरह कुकर में और मतलब इतना पानी डालिए ना कि मतलब बहुत ऊपर तक पानी नहीं, थोड़ा डूब जाए बस सिंघाड़ा, इतना पानी डाल के और बस बैठा दीजिए गैस पे और एक सीटी बच जाए बस बंद कर दीजिए गैस, नहीं तो बहुत ज़्यादा फिर गल जाएगा। तो और फिर जब कुछ देर के बाद आधे एक घंटे के बाद तो फिर कुकर खोलिए तो ये अंदर अंदर सिंघाड़ा एकदम बढ़िया पक जाता है। फिर इसको जो है ये देखिए इस तरह चक्कू से ये हाथ ही से ये देखिए छिल जा रहा है और इस पर ये चाय के संग ये बहुत बढ़िया नाश्ता है, इजी और टेस्टी नाश्ता।